मैं जसविंदर कौर चंडीगढ़ तो आई हूँ। मैं 61 ईयर जी की हूँ। मेरी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, पहले लेफ्ट की हुई थी, अब राइट की हुई है। मेरे को पहली बार पता लगा 2000 में मेरे को कैटरेक्ट हो सका। मेरे को साफ नहीं थी कराता, डॉक्टर को दिखाया, उन्हें को अभी सर्जरी होगी, उन्होंने मल्टीफोकल लेंस डाला, वो मेरे को शूट नहीं किया। पानी हमेशा पानी आता रहता से आपसे, तो लाइट में फ्लाप आता था। फिर मैं कई डॉक्टरों को उत्तर चंडीगढ़ दिखाया, उसने कहा अभी एक्सचेंज नहीं हो सकता। फिर यहाँ पता लगा राइट डॉक्टर राज चौधरी का, तो हमने यहाँ फिर आकर सर्जरी कराई सितंबर में। हाँ जी, मेरा नाम हरकमलदीप सिंह है, ये मेरे मदर हैं, हम चंडीगढ़ से आए हैं। 2018 में इनकी लेफ्ट आई की सर्जरी कराई थी, तो चंडीगढ़ से हुई थी वो, वहाँ पे इनका मल्टीफोकल लेंस डाला था। बट वो सर्जरी के बाद इनको सूट नहीं किया, वो बार बार उनको कुछ ना कुछ हेलोस दिखते थे, क्लैरिटी नहीं थी, हमेशा छल्ले दिखते रहते थे और आँख में से पानी निकलता रहता था। तो फिर काफ़ी वहाँ पे चंडीगढ़ में काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, वो कहते अब तो एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो फिर मैंने YouTube पे देखा था हमने डॉक्टर राहिल को, और फिर हमने यहाँ पे आके चेकअप कराया तो उन्होंने कहा कि हम एक्सचेंज कर देंगे। फिर हमने सितंबर 2022 में आए थे, हमें 2022 में आके हमने सर्जरी कराई और डॉक्टर ने अपना लेंस चेंज हो गया था, लेफ्ट वाला डॉक्टर संजय चौधरी ने किया था, और वो मल्टीफोकल की जगह हमने मोनोफोकल लेंस डाला, फिर वो एक्रिसॉल का, एलकॉन का ये। तो अब उसके बाद इनको काफ़ी बेटर फील हुआ और आँख इनकी मतलब इनका बेटर हो गया काफ़ी, मतलब छल्ले भी दिखने बंद हो गए और पानी भी निकलना बंद हो गया। तो उसके बाद हमने जब लेफ्ट का सही हो गया, तो अभी रिसेंटली हमने फेबरी में ही नया राइट का भी चेंज करवा के सेम मोनोफोकल लेंस हो रहा है, मतलब लेफ्ट है, इसमें राइट में तो नया ही डाला, लेफ्ट में तो चलो एक्सचेंज करना पड़ा था, तो इधर भी मोनोफोकल हो गया। अब दोनों आंखों में से बड़ा क्लियर दिख रहा है, दोनों बड़ी क्लैरिटी तो सेटिस्फाइड है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अभी ये आपके सामने पहली लाइन है, आप इसको रीड करिए। अभी 3-4 वेरी गुड, 7-3-4 ये लाइन रीड करेंगे, 7-2-0-3 वेरी गुड, अभी 7-5-2-0-3-4 ये सेकंड लास्ट लाइन रीड करेंगे सर, 4-3-7-0-2-5-7 ठीक है, ये लास्ट लाइन है, इसको रीड करिए, 7-5-4-0-2-2-2-3-7 अभी दोबारा रीड करेंगे, 0-3-4-2-5-7-4 ठीक है, कोई प्रॉब्लम लास्ट लाइन रीड करने में दोनों आँखों से? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हैप्पी हैं आप? 6-6 पढ़ लिया आपने? मैं बहुत खुश हूँ, दोनों आँखें मेरे को सही हो गई हैं। हाँ जी, सर्जरी की जो ब्लेडलेस फेमटो टेक्निक यूज हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बहुत बहुत फर्क है जी, बहुत मैं बहुत हैप्पी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं हूँ, क्लियर दिख रहा है, छल्ले भी दिखने बंद हो गए, वो हेलोस बंद हो गए हैं, आंख में से पानी निकलना बंद हो गया, लाइट जो पहले दिख रही थी वो भी बंद हो गई है। ठीक है, तो जैसे टीवी देखते थे या तो कुछ फोन पे चलाते या कुछ रीड करते थे, उसमें काफी प्रॉब्लम आती थी, उस टाइम पे स्ट्रेस ज्यादा डलती थी आंख पे, तो ज्यादा पानी आता था, और रात को अगर लाइट भी ऑन करते तो इनको हमेशा दिखता रहता था, मेरे को बोलते रहते थे बार बार कि मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, तो अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा थे उस वजह से। जैसे बाहर मार्केट में भी जाना है तो आगे, जैसे मेरे साथ में बैठे होते थे, मैं ड्राइव कर रहा था तो आगे से जो कार आ रही है इनको बड़ा अनकंफर्टेबल ऐसे आँख पीछे कर लेते हैं कि मेरे को आँख में बहुत ज़्यादा छल्ले पड़ रहे हैं, ये बहुत प्रॉब्लम आती थी। मैंने बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, मेरे सारे ऐसे जॉइंट फैमिली है, सारे जॉइंट फैमिली ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया, अभी आप दिल्ली जाओ, वहाँ ट्रा के आओ, ये मेरा बेटा है। सही एक्चुअली चला स्टार्टिंग में, हमने कहा चलो आपको शायद वहम है ज़्यादा कि शायद ऐसे ही लग रहा होगा, कि डॉक्टर वो भी डॉक्टर एक्चुअली हमें यही कहते थे ठीक हो जाएगा, नहीं वो भी डॉक्टर भी हमें यही कहते थे कि आपको फोकस किसी और जगह पे फोकस करोगे, ऐसे सोचते रहोगे कि फिर तो दिखता रहेगा। फिर मैंने भी माम को यही समझाया कि चलो आप वहम ना करो, शायद आपको ज़्यादा वहम ही है कि शायद ना दिख रहा हो, हमें भी ऐसे लगना शुरू हो गया, सारे डॉक्टर भी ऐसे ही कह रहे थे। बट फिर बहुत ज़्यादा तंग होने लगे, तो हम क्या चलो ज़्यादा बार बार कहने लगे ज़्यादा, फिर हमने कहा चलो देखिए आते एक बार डॉक्टर का, जो फिर डॉक्टर राहिल ने जो बताया उन्होंने वही बता दिया जो इनको प्रॉब्लम थी, तो हमें तो विश्वास ही हुआ कि ये सही कह रहे थे इतनी देर से। ठीक है, फिर तो ऑब्वियसली यही बात हुई कि हमने करवाना ही है यहाँ पे। चंडीगढ़ तो हमने सब ने मना कर दिया, डॉक्टर राहिल ने बोला भी हम चेंज कर सकते हैं, आप आ जाओ, जो सर्जरी हुई मेरे कोई पेन नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सेट, तभी हम यहाँ पे आ गए। नहीं मैनेजेबल है हमारी, एक तरह से होल्डे होती है यहाँ पे, डेली आके आते थे हम, 2-3 दिन रह के जाते थे, फिर खा पिए घूम के जाते थे, होटल में रहते, खाना पीना बढ़िया रहता, और आउटिंग ही होती है एक तरह की, डेली आना नहीं मारते। मेरे बड़े मम्मी आए हैं आपके लिए, उनके टेस्ट ही चल रहे हैं, सिस्टर ऐसे दोनों सिस्टर हैं, मेरे मासी भी हैं एक तरह से और मेरे बड़े मम्मी भी हैं, तो उनको डॉक्टर राहिल को दिखाना है भाई, हमने आगे नहीं पता नहीं, फैमिली को तो किया ही है और फ्रेंड्स को भी, कितनों की सबको सजेस्ट किया कि यहाँ पे आए,